या हमारा क्या होता है कि एक्स एक्सिस होता है, ओके, ये एक्स एक्सिस होता है, ओके, एक्स और एक्स डैश, ओके, एक्स एक्सिस कहते हैं, ओके, हमारा इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, ओके। और आपसिस बोला जाता है, ओके, इसको एक्स एक्सिस और आपसिस आप बोल सकते हो। सर कुछ प्रॉब्लम है? तो ये एक्स एक्सिस को दूसरा नाम भी आपसिस बोला जाता है बच्चों के। नेक्स्ट ये बच्चों ये वाई एक्सिस है, ओके, ये वाई और क्या वाई डैश, ठीक है, इसको बच्चों वाई एक्सिस बोला जाता है, ओके, वाई एक्स बोला जाता है, ओके। और इसको ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को दूसरा नाम भी ऑर्डिनेट बोला जाता है, ओके, वाई एक्सिस का दूसरा नाम को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ओके। अगेन इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम ओरिजिन बोलते हैं, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ओके, ठीक है। देन हमारा ये जब रहता है कोऑर्डिनेट में, इस तरह राइट हैंड में वन रहता है, टू रहता है, थ्री रहता है, ग्राफ पेपर में होता है बच्चों फोर फाइव सिक्स ऐसे रहता है, ओके, ये राइट साइड में। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस में क्या होता है? इसी तरह आपका नंबर लाइन जो है, हमारे इंटीजर का जो नंबर लाइन, ये माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री होता है, माइनस फोर होता है, माइनस फाइव होता है, माइनस सिक्स होता है, ओके। इनका जो डिस्टेंस है वन सेम होता है ग्राफ पेपर में, इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है वन सेम होता है ग्राफ पेपर में, ओके। आप लोग ग्राफ पेपर देखोगे, इनका बीच में जो डिस्टेंस है वन सेम होता है, ओके। इसी तरह वाई एक्सिस का ये इधर है प्लस वन, ऊपर जाने से प्लस वन नंबर लाइन, टू थ्री फोर फाइव, नीचे आपका माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर होता है, ठीक है। ये बच्चा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ओके। देन ये आपको फास्ट क्वार, ये आपका फास्ट क्वाड्रेंट है, ओके, फास्ट क्वाड्रेंट है इसको, ओके। जहाँ फास्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ये आपका एरिया को फास्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फास्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव, ओके, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ओके। या एक्स भी सपोज आपका, सपोज मैं बोलता हूँ कि हाँ कि रिप्रेजेंट टू थ्री, टू थ्री को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करो, पहला एक्स आता है उसके बाद वाई आता है बच्चों के, तो एक्स का टू वाई का थ्री, तो बच्चों एक्स का टू वाई का थ्री, ये आपका टू थ्री आएगा। तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ओके। अगर तो दोनों पॉजिटिव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ रिप्रेजेंट तुम्हारा एक्स का थ्री वाई का फाइव, तो एक्स का थ्री वाई का फाइव, एक्स का थ्री वाई का फाइव, पहले एक्स जाता है बच्चों, फिर वाई लेते हैं, पहले एक्स सिलेक्ट होता है फिर उसके बाद वाई, एक्स का थ्री वाई का फाइव, ओके। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेक्स्ट ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, ओके, एक्स आपका नेगेटिव, वाई आपका पॉजिटिव, ओके, वाई आप पॉजिटिव, ओके। सपोज तो बोलता है कि ये माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड फोर को रिप्रेजेंट करो, और वो बोलता है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज है, ओके, तो एक्स का माइनस थ्री, पहले एक्स जाओगे उसके बाद वाई जाओगे, ओके, एक्स का माइनस थ्री वाई का प्लस फोर, ओके, एक्स का माइनस थ्री वाई का प्लस फोर, एक्स का माइनस थ्री वाई का प्लस फोर, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होता है, ठीक है। पूछता है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज होता है, ओके। नेक्स्ट बच्चों आपका ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव, ओके, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वाई डैश इधर वाई भी नेगेटिव, ओके,
ठीक है, ये एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। अगर मैं बोलता हूँ -4 -2 को रिप्रेजेंट करो, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? एक्स का -4, पहले एक्स लोगे उसके बाद वाई लोगे, पहले एक्स उसके बाद वाई। एक्स का आगे एक्स का -4 वाई का -2, एक्स का -4 वाई का -2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में लाइजे, ये भी -2 हो गए, दोनों नेगेटिव होता है बच्चों, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइजे। ओके नेक्स्ट बच्चों, इसको नेक्स्ट वाला, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव। ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ओके वाई नेगेटिव। ओके सपोज आपका बोलता है एक्स का 3 वाई का -2 रिप्रेजेंट करो, तो पहले एक्स जाओगे फिर वाई जाओगे, एक्स का 3। ओके एक्स का 3 वाई का -2 इधर, एक्स का 3 वाई का -2। ओके कौन सा क्वाड्रेंट, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बच्चे समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके चलिए इसका पर हम प्रॉब्लम करते हैं। ओके और बोलता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाइजे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y का माइनस नेगेटिव। देखिए ये x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है। ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव है, y आपका नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, पहले x आता है। ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और क्या y भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में और एक है, और अगर सपोज ऐसा बोलता है ये कौन सा में लाइजे, सपोज 3 0 देता है, तो पहले x का जाओगे, आपका x का 3 y 0, x का 3 y 0, ये कोई क्वाड्रेंट में लाइज नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे इट इज लाइज ऑन x एक्सिस। अगर बोलता है कि हाँ इट इज लाइज ऑन x एक्सिस और आप से सभी बोल सकते हो, सपोज बोलता है कि आपका -2 0 बोलता है, कौन सा ये में लाइज है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज है, तो एक्स का -2, पहले एक्स जाओगे उसको एक्स का -2 वाई का 0, यहाँ पर आता है कुछ एक्स का -2 वाई का 0। ओके ये आपका एक्स एक्सिस में लाइज है, कोई क्वाड्रेंट में नहीं लाइज है, ये एक्स एक्सिस में लाइज है और आपसी सा में लाइज है, ठीक है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम आपसी सा होता है। ओके अगर क्वेश्चन में देता है कि एक्स का 0, ओके वाई का 2, कौन सा ये में लाइज है, एक्स का 0 वाई का 2, एक्स का 0 वाई का 2। ओके ये 0 2 जो है, ओके एक्स का 0 वाई का 2, 0 2 आपका वाई एक्सिस में लाइज है। अगर बोलता है एक्स का 0 वाई का -3, यहाँ पर होता है बच्चों एक्स का 0 वाई का -3, ये आपका वाई एक्सिस में लाइज है, ठीक है। एक्स का 0 वाई का -3, ये वाई एक्सिस में लाइज है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसका, इस क्वेश्चन का ग्राफ दिया है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है। ओके चलिए बनाते हैं वाला क्वेश्चन। ओके इसका ये ग्राफ दिया है, ओके और इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है हमें, ठीक है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें करना है। ओके चलिए एग्जांपल 1 करते हैं। ओके पहले एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, वो बोल रहा है कि द आपसिसा मैंने कौन सा एक्सिस, द आपसिसा मैंने एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट, ये आपका बी आपसिसा मीन्स एक्स एक्सिस। ओके तो आपसिसा कितना है बोलिए, आपसिसा कितना है बोलिए, बी कोऑर्डिनेट का आपसिसा 4 है। ओके एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स आपका वाई एक्सिस, वाई कितना, बी कोऑर्डिनेट का कितना, एक्स का 4 है वाई का 3 है। ओके एक्स का 4 वाई का 3 आपका। ओके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा और मैं भी तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा। ओके आज या कल मैं भेजूंगा इसका ऊपर। ओके ये गूगल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके तो एक्स का 4 वाई का 3, तो ये बोल रहा है कि आपसे सा कितना 4 है वाई का 3 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसे, कोऑर्डिनेट इज 4, 3 और ऐसा ब्रैकेट भी रहेगा बच्चों के, 4, 3 रहेगा और इसका ब्रैकेट भी रहेगा, ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा, बीच में कॉमा रहेगा, 4, 3 ऐसा आएगा आपका कोऑर्डिनेट। ओके उसी तरह बोल रहा है एम कोऑर्डिनेट के बारे में,
एम कोऑर्डिनेट का बारे में बोलो, एक्स कितना वाई कितना बोलो, अगर एक्स बोलो माइनस एम थ्री, कितना वाई कितना, एक्स माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर थ्री वाई फोर। ओके तो क्वेश्चन में पूछेगा एक्स कितना माइनस थ्री माइनस थ्री वाई कितना प्लस फोर। ओके एम कोऑर्डिनेट है एंड कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट माइनस माइनस थ्री एंड फोर, माइनस थ्री फोर ठीक है, कोऑर्डिनेट ये माइनस थ्री एंड फोर हुआ ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिट थ्री करते हैं, एल कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहे हैं, एल कोऑर्डिनेट पर। ओके एल कोऑर्डिनेट का एक्स कितना माइनस फाइव वाई कितना माइनस फाइव एंड फाइव, कोऑर्डिनेट कितना माइनस फाइव फोर। ओके माइनस फोर तो एक्स लिखिए आपका माइनस फाइव, सर माइनस फोर कैसे हुआ। ओके यार ये दिखता नहीं है ये वाला माइनस फोर। ओके एक्स का पहले एक्स जाओगे, एक्स का कितना माइनस फाइव, वाई का कितना आपका माइनस फोर, अरे वाई का ओके किसको दिखता नहीं है भाई बच्चों, ये वाई का आपका माइनस फोर ठीक है। तो एक्स का माइनस फाइव वाई का क्या माइनस फोर, कोऑर्डिनेट क्या हुआ सर माइनस फाइव माइनस कॉमा माइनस फोर माइनस फोर। ओके ठीक है नेक्स्ट एल वाई नेक्स्ट क्वेश्चन एस कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहा है, बोलिए एस कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बोलिए y होगा पहले x लिखा जाता है, पहले x जो भी कोऑर्डिनेट हो x is equal to 3 जो भी कोऑर्डिनेट हो पहले x होता है उसको, हां s आपका 3 और y माइनस 4 माइनस 4 s 3 y कितना माइनस 4 4 माइनस माइनस ठीक है। तो x का 3 y का माइनस 4 और ये लाइन तो माइनस 4 से थोड़ा नीचे लाई करता है, ओ थोड़ा एक्चुअली वो ग्राफ में है होगा थोड़ा ये नहीं हुआ लेकिन माइनस 4 ही लीजिए। ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 देखिए। ओके एग्जांपल 2 बोल रहा है आपका ये दिया है और बोल रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और हाँ विच राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड एट द दिस। ओके तो वो कोऑर्डिनेट निकलना वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट को लिखना है ठीक है। चलिए पहला ये ओके बोला कि पहला उसको कोऑर्डिनेट को ये करना है। ओके राइट द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट मार्क्स ऑन द फिगर एक्सरसाइज 3.12। ओके वो बोला द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट लेना है डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द, वो बोल रहा है कि ओके पॉइंट ए कोऑर्डिनेट लेना है डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस 0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ए इज 4 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज 0 द कोऑर्डिनेट इज 4 0। ये तो ए कोऑर्डिनेट का बात बोल दिया। ओके और जो जो 4 जो है आपका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, 4 जो है वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस में 4 यूनिट डिस्टेंस में और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में ओके 0। ओके तो ये आपका है ओके तो ये ए कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर कितना 4 0 बोल सकते हो। ओके डायड भी बोल सकते हो ए कोऑर्डिनेट 0 4 0, बी कोऑर्डिनेट भी आप बोल सकते हो कितना बोलिए बी कोऑर्डिनेट कौन, पहले एक्स होगा फिर हाँ पहले एक्स होगा हमेशा पहले एक्स होगा उसके बाद वाई होगा, आप बी कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो क्या एक्स का 0 वाई का 3 डायड भी बोल सकते हो आप। ओके क्वेश्चन आप पढ़े सी कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, बोलिए सी कोऑर्डिनेट कितना होगा -5 वाई का 0 पहले एक्स हमेशा पहले एक्स लोगे उसके बाद वाई लोगे। ओके नेक्स्ट आप डी कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं एक्स का कितना, बोलिए एक्स का 0 तो वही बात है। ओके राइट द कोऑर्डिनेट हाँ ओके इस कोऑर्डिनेट से ग्राफ पे लिखना था, हम लिख दिए बच्चों ए कोऑर्डिनेट लिख दिए बी कोऑर्डिनेट लिख दिए सी कोऑर्डिनेट लिख दिए डी कोऑर्डिनेट। ओके और ई एक है ओके ई कहाँ पर है यहाँ पर एक्स का आपका एक्स पहले एक्स का 2 होता है वाई का क्या एक्स का 2 है वाई का 0। ओके पहले एक्स आता है 2 3 2 21/3 ये 2/3 नहीं है 21/3 2/3 है 21/3 सर 2/3 है सर 2/3 है ओके हम 1 2 3 ये सर 2/3 नहीं नहीं 1 2 3 4 लिखा गया है लेकिन 2/21/3 0 और 1 के बीच में नहीं लाइज होता है 21/3 तो मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। ओके तो ये 2/3 और क्या 0। ओके ठीक है यहाँ पर दिया है। ओके ठीक है तो 1 होगा सर
इसका सॉल्यूशन भी वो बोल रहा है कि राइट द क्वेश्चन ये आती है, उसका सॉल्यूशन ये है उसका दे दिया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना था कुछ नहीं, ये क्वेश्चन दिया है हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिए, कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ पेपर में लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। ओके, ये आपका दिया है एक्सरसाइज 3.2 देखिए। ओके, पहले 3.2 का क्वेश्चन वन देखिए। ओके, क्वेश्चन वन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सी इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो ये बच्चों, हम जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस लाइज होता है उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ओके, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लाइज होता है उसको हम इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ये एक्स और एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई और वाई डैश। ठीक है, अच्छा, राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन टू द पोजिशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्लेन। ओके, हमारा हॉरिजॉन्टल, हाँ, द राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, और वर्टिकल लाइन को क्या, वाई एक्सिस बोला जाता है। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द पोजिशन अब एनी कार्टेशियन प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कार्टेशियन प्लेन, ये जो प्लेन जो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन से कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया था इसका नाम क्या है, बोलिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया था, अरे जो हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एक्स एक्सिस बोला जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, और एक नाम क्या था, और उसका दूसरा नाम है अब्सिसा। ओके, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नाम इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और अब्सिसा बोल सकते हो, एंड द वर्टिकल लाइन जो है इन दिस कार्टेशियन को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, y एक्सिस और ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डिनेट। ओके, लिखोगे इसका आंसर वही लिखोगे कि हाँ, इसका आंसर वही लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द टू लाइंस, तो नेम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइंस, ये जो टू लाइंस में जो फॉर्म होता है उसका ईच पार्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखोगे क्यू ए डी आर एन डी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसे कहते हैं जिसका ये चार पार्ट में डिवाइड है, इक्वल चार पार्ट और हर एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, सपोज एक तो आपका एक तो सर्कल है। ओके, सर्कल है आपका। ओके, पिज्जा है। ओके, पिज्जा को चार पार्ट कर दिए डिवाइड बाय टू लाइंस। ओके, और वो लाइन अपने आप को 90 डिग्री इनका रहता है, इनका एंगल, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। अगर ये सर्कल है, दो लाइन में डिवाइड किया और हर एंगल ये तो 90 डिग्री रहता है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, उनका दो लाइन के बीच जो एंगल है 90 डिग्री होता है। आप एक पिज्जा ऑर्डर किए, ओके, उसको चार भाग में डिवाइड किए, ओके, और ये क्या किए 90 डिग्री एंगल, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द फॉर्म बाय टू लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर है। ओके, राइट द नेम ऑफ द टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट द
हाँ तो दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट है उसका नाम क्या? ओरिजिन। उसका नाम लिखोगे ओरिजिन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है इन 3.144 में, ओके इसका जो ये फिगर ये दिया द कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट डी लिखना है, ओके द आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3, 5, ओके उसका ग्राफ पेपर ग्राफ साइज दिया 3.14 साइज नीचे है और भी इसका बहुत सारा, ओके तो 3.414 का बहुत सारा है, ओके ये 3.14 का और भी क्वेश्चन है, ओके ठीक है ये इतना क्वेश्चन और भी ये थोड़ा लगाते हैं क्वेश्चन, ओके और भी क्वेश्चन रह गया है इसका सभी आंसर देना है, ओके ओके क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहा है। द कोऑर्डिनेट बी क्या होगा बोलिए, पहला का आंसर द कोऑर्डिनेट बी क्या होगा? एक्स का -5 वाई का 2, ओके तो पहला आंसर है -5, 2। आप भी लिखिए द कोऑर्डिनेट सी बोलिए, द 5 एंड -5 पहला एक्स पहला हमेशा बोलेंगे 5 वाई का -5 तो आपका आंसर है 5 -5, ओके द पॉइंट आइडेंटिफाई -3 एंड -5 एक्स का -3 वाई का -5 एक्स का -3 वाई का माइनस उसका पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम बोले एक्स का -3 वाई का -5 पॉइंट का नाम क्या है? ई। इसका आंसर है ई। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 -4 एक्स का 2 वाई का -4 एक्स का 2 एक्स का 2 वाई का -4 तो पॉइंट का नाम है जी, ओके इसका आंसर है जी। नेक्स्ट द एब्सिस ऑफ द डी कोऑर्डिनेट, तो एब्सिस मैंने एक्स एक्सिस, ओके ये कोऑर्डिनेट पहला 6 होता है, इसमें एब्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड ओरिजिनेट मींस वाई एक्सिस, एब्सिस आपका 6 आएगा यहाँ पर इक्वल टू 6 लिखिए। देन ओरिजिनेट ऑफ द एच, ओरिजिनेट ऑफ एच इस पॉइंट पहले बोलिए पॉइंट इसका -5 वाई का -3 ओरिजिनेट मींस वाई पॉइंट, ओके ओरिजिनेट कितना बोलिए -3 ये एच कोऑर्डिनेट आपका -5 -3 ओरिजिनेट आपका -3, ओके तो -3 लिखिए। अगेन द कोऑर्डिनेट एल बोलिए, तो कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है एल तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर है, यहां पर है एक्स का 0 वाई का 5, ओके तो कोऑर्डिनेट एल आपका 0, 5, ओके तो कोऑर्डिनेट एम बोलिए -3, 0 तो कोऑर्डिनेट एम, ओके एक्स का -3 वाई का कितना 0, ओके तो एक्स का -3 ठीक है। नेक्स्ट कुछ ये क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ऑर्डर पेयर एक्स पाई, तो एक्स पाई ऑर्डर पेयर्स क्या क्या है आपका -3 और क्या इसको ए ले लेते हैं -3, 7 और क्या आएगा 0, -3.5 और क्या आएगा ऑर्डर पेयर्स -1, -3 पहला लेक्स लोगे हमेशा, ओके नेक्स्ट ऑर्डर पेयर्स क्या आएगा नाम एक एक तो ले लीजिए ए बी इसका सी ले लीजिए डी ऑर्डर पेयर्स 4, 4 रहेगा ई ऑर्डर पेयर्स क्या आएगा 2, -3 तरह बना दीजिए प्लॉट कर दीजिए, ओके सिर्फ प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स बोल रहा है इन द कार्टेशियन प्लेन सिर्फ प्लॉट कीजिए पेन से कीजिए पेन से नहीं एक ही ग्राफ में सभी कीजिए एक ही ग्राफ पे सभी पॉइंट प्लॉट कीजिए इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।
सर प्लॉट नाइन ट्रिपल सेवन। अरे क्या बात कर रहे हो, पॉइंट तो प्लॉट नहीं कर पाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा गधा है लगता है तू। ये -37 को तू प्लॉट नहीं कर पाएगा ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके। ओके तो देखिए इसका हम ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ओके ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके एक्स और क्या एक डैश होता है, ये वाई और क्या वाई डैश होता है। ये वन है, ये टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। ओके ये आपका ओरिजिन है। ओके ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये -1, -2, -3, -4। ठीक है, पहला बात है कौन सा कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट है x का -3 y का +7। ओके पहले x जाएंगे बच्चों, x का -3, x का -3 y का +7। +7 में नहीं ऊपर जाना पड़ेगा, ये 6 है 7 है। x का -3 y का +7 ये -3 7। ओके x का माइनस पहले x जाओगे उसके बाद y जाओगे। ओके पहले x जाओगे याद रखोगे पहले x उसके बाद y। ओके x का -3 y का +7। ओके नेक्स्ट x का 0 y का -3.5। ओके x का 0 y का -3.5 -3.5 बच्चों इधर आएगा -3 और ये x का 0 y का हाँ ये वाला कोऑर्डिनेट बच्चों देखो ये कोऑर्डिनेट क्या x का 0 y का -3.5। ओके ठीक है अच्छा x का 0 y का -3.5 -3 और -3 के। ओके पहले x जाओगे उसको पहले x उसको y जाओगे। ओके नेक्स्ट x का -1 y का -3 x का पहले -1 y का -3 इधर इसी कोण में x का -1 y का -3 पहले x जाओगे उसको आ जाएगा y जाओगे लैंड लेकिन y में करोगे x का विजिट करोगे लेकिन लैंड ऑन y में करोगे y जहाँ पर वहीं पर करोगे विजिट x का पहले करोगे फिर y का -3 जहाँ पर y वहीं पर लैंड करोगे -1 -3। ठीक है नेक्स्ट वाला ये 4 4 x का 4 y का 4 x का 4 y का 4। ओके ये आपका डी कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट आपका x का 2 y का -3 x का 2 y का -3 पहले x जाओगे लेकिन लैंड y में करोगे x का पहले जाओगे लेकिन y जिधर है वहीं पर लैंड करोगे x का 2 y का -3। ठीक है कुछ हो गया ये प्लॉट दो ऑर्डर पेयर्स बोला था क्वेश्चन में। ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए यहाँ पर प्लॉट द करना है और कौन सा क्वाड्रेंट में पहला क्वेश्चन है विच क्वाड्रेंट लाइज है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। ओके प्लॉट करने से पता चल जाएगा आपको कौन सा क्वाड्रेंट। ओके तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ठीक है और कौन सा क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है देखिए x का -2 y का 4 पहला ग्राफ बनाइए आपको सब पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है। ओके ऐसे बनेगा वो हां ग्राफ बनाने से पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट कौन है। ओके ये आपका x है और ये x डैश। ओके ये आपका y है और ये y डैश। ओके ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ओके ओके ये -1 -2 -3 -4 -5। ओके ये आपका 1 है 2 है 3 है 4 है। ओके ये -1 -2 -3। ओके और ये आपका ओरिजिन। ओके पहला बात है आपका देखिए क्वेश्चन क्या है
कि एक्स का माइनस टू वाई का फोर, पहले एक्स जाओगे, एक्स का माइनस टू वाई का प्लस फोर, कौन सा क्वाड्रेंट है कौन बोलेगा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? कौन सा क्वाड्रेंट कौन बोलेगा? माइनस टू फोर कौन सा, एक्स का माइनस टू वाई, हाँ तो लिखोगे ये लिखोगे माइनस टू फोर, ऐसे काम कीजिए, ये थोड़ा दिक्कत होता है। ओके लिख दीजिए माइनस टू, ऐसा लिखिए माइनस टू फोर, इधर वाला पहला पार्ट लेना है, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके पहले कोई भी ले सकते हैं क्या? नहीं पहला तुम देखो, ओके मैं जैसे करो वैसे करोगे? नहीं नहीं इधर वाला ही फर्स्ट हो सकता है, उधर पहला हमेशा एक्स लिया था उसको वाई लिया था। ओके जब बोले ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं नहीं हमेशा है पहला ये वाला हमेशा फर्स्ट होता है, ऐसे जाता है हमेशा, ऐसे जाता है एंटी क्लॉक वाइज जाओगे। ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज जाओगे। ओके ठीक है, तो एक्स का माइनस टू वाई का प्लस फोर, ठीक है कौन सा क्वाड्रेंट? आपका सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन। ओके क्वेश्चन में हाँ एक्स का थ्री वाई का माइनस वन देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन। ओके कोऑर्डिनेट भी दे दीजिए, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दीजिए। ओके फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके ओके ग्राफ पेपर में करने से पता है, माइनस वन जीरो, एक्स का माइनस वन वाई का जीरो, एक्स का पहला आएगा माइनस वन वाई का जीरो, ये कौन सा एक्सिस है? ये कोई क्वाड्रेंट नहीं, कौन सा एक्सिस? एब्सिस है, एक्स एक्सिस, राइट और एब्सिस है। ओके तो लिखिए माइनस वन जीरो लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके अब लिखते जाइए। ओके माइनस वन जीरो हुआ, नेक्स्ट वन टू देखिए, एक्स का वन वाई का टू, लिखता नहीं, एक्स का वन वाई का टू देखो, एक्स का वन वाई का टू कौन सा देखिए, लाइज ऑन कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके देखिए वन टू, एक्स का वन वाई का टू लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स का वन वाई का टू ये वाला कोऑर्डिनेट है बच्चों के, आपका ये वाला कोऑर्डिनेट, एक्स का वन वाई का टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लास्ट एक्स का माइनस थ्री वाई का माइनस फाइव, एक्स का माइनस थ्री वाई का माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस फोर आएगा और थोड़ा बढ़ाने से माइनस फाइव है, एक्स का माइनस थ्री वाई का माइनस फाइव। ओके लिखोगे माइनस थ्री माइनस फाइव लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस थ्री माइनस फाइव लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, हो गया सेकंड नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर टू, नंबर टू का आंसर बोलिए, आप खुद बना के भेजिए मुझे, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ करके प्लॉट करके भेजिए। ओके तो देखिए बच्चों ये एग्जाम आता है ये। ओके प्लॉट द ग्राफ, ओके ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन। ओके ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ओके ये ओरिजिन जीरो जीरो के, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके एट, ठीक है ये माइनस वन
माइनस टू, ये वाई आपका वाई डैश हो गया, ये आपका वाई है और नीचे वाई डैश, ये माइनस थ्री माइनस फोर हो गए वाई डैश। पहला कुछ पहला पॉइंट है एक्स का माइनस टू वाई का एट, एक्स का माइनस टू वाई का प्लस एट हो गया, एक्स का माइनस टू वाई का प्लस एट, ये माइनस टू एट हो गया, नाम कुछ भी दे तो ए बी सी कुछ माइनस टू एट हो गया, एक्स का माइनस टू वाई का प्लस, पहले एक्स जाएगा उसको दो आई हो गए, नेक्स्ट एक्स का माइनस वन वाई का सेवन, एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, ये वाला एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, ये वाला पॉइंट एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, ठीक है, एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, एक्स का माइनस वन वाई का प्लस सेवन, ठीक है, ये बी दे दीजिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स का जीरो वाई का माइनस वन पॉइंट टू फाइव, एक्स का जीरो जाएंगे वाई का माइनस वन पॉइंट टू फाइव यहाँ पर आएगा, एक्स का जीरो वाई का पहले एक्स गए पहले एक्स का गए उसके बाद वाई का लैंड फॉल हुए कि माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ओके पहले एक्स जाओगे उसके बाद वाई जाओगे, पहले एक्स विजिट करोगे उसके बाद वाई विजिट, एक्स का गए जीरो वाई का माइनस वन टू वन पॉइंट टू फाइव, ओके। नेक्स्ट देखिए एक्स का वन वाई का थ्री, एक्स का पहले जाइए वाई का थ्री में लैंड फॉल कीजिए, ये एक्स का वाई वन वाई का थ्री, ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्स का थ्री वाई का माइनस वन, ओके एक्स का थ्री वाई का माइनस वन, ओके एक्स का थ्री वाई का माइनस वन, ओके ये थ्री माइनस वन, ओके ठीक है, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन, ठीक है बच्चों। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं, ओके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है चार मार्क में, ये ओके प्लॉट द पॉइंट ऑन व्हिच टाइप ऑफ द फिगर एक्स का ओके फॉर्म एग्जाम आता है, ओके ये आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये आपका वाई एक्सिस और क्या वाई डैश, ओके ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ओके ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ओके कौन सा टाइप का फिगर आता है फॉर्म कर, ओके देखिए एक्स पहला एक्स का ओके पहला बात है कि देखिए एक्स का माइनस थ्री वाई का टू, एक्स का माइनस थ्री वाई का प्लस टू, या वो थोड़ा सही प्लॉट कीजिए नहीं तो गलत हो, एक्स का माइनस थ्री वाई का प्लस टू और कोऑर्डिनेट पी ए लिख दीजिए, एक्स का माइनस सेवन वाई का माइनस थ्री, एक्स का माइनस सेवन, ओके ये आपका माइनस सिक्स माइनस सिक्स, बोल एक्स का माइनस सेवन वाई का थ्री माइनस थ्री, एक्स का माइनस सेवन वाई का माइनस थ्री, पहले एक्स उसके बाद वाई, एक्स का माइनस सेवन वाई का माइनस थ्री, ये आपका क्यू कोऑर्डिनेट है, इसको जोड़ना है फिर, ओके कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, ओके बोल रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स नेम द फिगर ऑब्टेनिंग जॉइनिंग जॉइनिंग देम इन ऑर्डर, ओके फिर जॉइन करना उनको, ओके पी क्यू जॉइन हो गया। नेक्स्ट आर कोऑर्डिनेट देखिए, आर एक्स का सिक्स वाई का माइनस थ्री, एक्स का सिक्स वाई का माइनस थ्री, ये सिक्स माइनस थ्री, ये आर पहला पी क्यू बोला जॉइन देम इन ऑर्डर, पहले पी से क्यू ज्वाइन करोगे क्यू से फिर आर ज्वाइन करोगे, बोला जॉइन देम इन ऑर्डर बोल रहा है, आर कौन होगे पी से क्यू ज्वाइन करो क्यू से आर ज्वाइन करो, ओके द लास्ट फाइनल एस टू टू एक्स का टू वाई का टू,
एक्स का टू वाई का टू हो गया। देखिए एक्स का टू वाई का टू ओके, ये हाइट भी टू है ओके, थोड़ा हमारा ये नहीं हो पाया ओके, ठीक है इसका हाइट टू है ओके, तो इधर ये इसके साथ ये पार्लल हो रहा है बच्चों, ये इसके साथ ये पार्लल हो रहा है, तो कौन सा फिगर बोले नहीं एक ही साइड पार्लल है तो क्या कहते हैं, कौन सा फिगर कहते हैं अगर एक, हाँ तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द फिगर फॉर्म, द फिगर है ट्रापीजियम ओके, एग्जाम 32 टाइप का क्वेश्चन आपका आता है ओके, आप देख लीजिए कि 4 मार्क का सब्जेक्टिव आता है ओके, और ऑब्जेक्टिव